गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस आज का डेट है उन्नीस फैब 2022 आज हम लोग जिनसेस के ऊपर बात करेंगे वो है एनटीपीसी क्या करना चाहिए एनएचपीसी ऑन 200 हंड्रेड डे ई फिर से आ गया है एनएचपीसी लॉन्ग टर्म के लिए रखें या नहीं रखें तो वीडियो जरूर पूरा देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलता है जो आपको शेयर एनालिसिस करने में काफी मदद करता है साथ में आप कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की पी है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं मेरे चैनल की दूसरी बड़ी यूएसपी है कि मैं पे हर फ्राइडे फ्राइडेटेडेज मंथली प्रिव्यू बनाता हूं इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर वो इनसेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उनको हर महीने इनसेस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपडेट होते रहते हैं और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मंथली प्रीव्यूज के कोई भी वीडियो निकाल के चेक कर सकते हैं साथ में आप मेरी में चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है अब बात करेंगे आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रिव्यू कर रहे हैं बट उससे पहले आप ये ऊपर दिए वे लिंक पर जरूर देखिए जहाँ पिछले महीने इन्हीं तीनों शेयर्स का मैंने मंथली प्रीव्यू किया था बात करेंगे एनटीपीसी एन टी पी सी कंपनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है यह सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए एन टी पी का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था अठारह जनवरी दो हजार बाईस जब इसकी क्लोजिंग हुई थी वन थर्टी फाइव रुपीज और सपोर्ट वन दिया था 110, वन टेन सपोर्ट टू वन ट्वेंटी सपोर्ट थ्री वन थर्टी रजिस्टेंस वन वन फोर्टी रजिस्टेंस टू वन फिफ्टी रजिस्टेंस थ्री वन सिक्सटी का एनटीपीसी आज के डेट पर अगर आप देख रहे हैं उन्नीस फैप दो हजार बाइस इसकी जो क्लोजिंग है वन थर्टी टू पॉइंट थ्री फाइव सपोर्ट वन सेम वन टेन सपोर्ट टू वन ट्वेंटी सपोर्ट थ्री वन थर्टी 140 150 रजिस्टेंसि पिछले महीने अगर जिन लोगों ने भी इस शेयर को बाई किया था वन फोर्टी के ऊपर बेचा रहेगा तो आज अगेन बाइंग ऑपरचुनिटी आप ढूंढ सकते हैं जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं 80% शेयर सपोर्ट और रजिस्टर पर चलते हैं तो जो लोग शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स है वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बट उनको रखना पड़ेगा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल रेजिस्टेंस से नीचे आए तो विदाउट एनी थॉट आपको बेचना होता है और फिर से सपोर्ट पाने तक का वेट करना होता है और मैं जितने वीडियोस बना चुका हूं आप लोगों के लिए मंथली के लिए आप रेगुलरली देखिए वीडियोस आपको खुद पता चल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लॉजिक है या नहीं हो अस्सी परसेंट शेयर अपने सपोर्ट रजिस्टेंस में आते हैं कोई शेयर कितना भी ऊपर चला जाए अगर फिर से वो अपने सपोर्ट पे आएगा ही आप अगर इतने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप एक चीज़ तो समझ के मार्केट में कोई भी चीज़ की वजह से करेक्शन आ सकता है या तो मार्केट हाई प्राइस पे चल रहा है उसके लिए आएगा प्रॉफिट बुकिंग होगी तब आएगा एफ आई एस सेल करेंगे तब आएगा या फिर कोई भी अनहोनी हो जाएगी जैसे अभी रिसेंटली बात चल रही है फॉरेन में हो या इंडिया में हो वो हो सकता है तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए अगर आपने सपोर्ट पे लिया है रजिस्ट्रेंस पे जा रहा है रजिस्ट्रेंस पे जाने दो रजिस्ट्रेंस से ऊपर जा रहा है तो भी होल्ड करो ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ बट रजिस्ट्रेंस से नीचे आए तो सेल कीजिए और सपोर्ट पर आने तक का वेट कीजिए मेरे वीडियोज अगर आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं नाइन्टी शेयर्स आपको ये चीज़ करते हुए दिखेंगे बात करेंगे एनएमडीसी। एनएमडीसी कंपनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए लिंक पे जरूर देखिए एनएमडीसी का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था अठारह जैन दो जब इसकी क्लोजिंग हुई थी 140.05 सपोर्ट वन एक सपोर्ट टू एक सपोर्ट थ्री एक सौ पचास रजिस्टेंस वन एक सौ पचास रजिस्टेंस टू का एन आज के डेट पे उन्नीस फैब दो ऑन टू डे ई 142.15 क्लोजिंग सेम सपोर्ट एंड स इसमें भी है 130 का पहला सपोर्ट 140 का दूसरा सपोर्ट 150 का तीसरा सपोर्ट बट रेजिस्टेंस वन भी है आपका 170 सेवेंटी हाइस्ट अगर आप इसका देख रहे हैं अगेन वन जो कि है ऑलमोस्ट रजिस्टेंस टू के पास एंड इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो हो चुका था वन जो कि ऑलमोस्ट है सपोर्ट वन के पास जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं भी शेयर हो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया आप ये सी वीडियो में दोनों शेयर देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आएगा सपोर्ट पर आएगा एनएमडीसी रेगुलरली अगर आप मेरे वीडियोज देख रहे सपोर्ट रजिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आप कितनी बार प्रॉफिट में आ सकते थे या अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको कितनी बार प्रॉफिट हुआ रहता बात करेंगे एनएचपीसी एनएचपीसी कंपनी क्या करती है कौन सी कैटेगरी में आती है यह सारा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए एनएचपीसी का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था अठारह जैन दो हजार बाईस जब इसकी क्लोजिंग थी थर्टी वन पॉइंट थ्री जीरो सॉरी जैन है वो अठरा फैब दो हजार बाईस इसकी जो क्लोजिंग है 19 फैब होना चाहिए उन्नीस फैब दो इसकी जो क्लोजिंग है 29.95 जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पैनिश शेयर्स है तो आपको पैनिक होने जैसा कोई भी शेयर्स खरीदना नहीं है आपको खरीदने हैं बहुत लिमिटेड शेयर्स अगर कोई भी दुनिया में कोई भी आपको बोलेगा अगर मैं भी बोलूंगा भाई तीस का शेयर है एक हो जाएगा तो भी ये चीज़ ज़रूर याद रखना तीस में ले रहे हो चालीस में लेना पचास में लेना साठ पे लेना बढ़तीस पे अपने दस शेयर बाई करने की गलती मत करना जो लोग भी जो लोग भी कोई भी शेयर हो भला अच्छा शेयर हो पैनिश हो, कोई भी शेयर बाय करते हैं थोड़ा भी उसमें रिवर्सल आया तो उनका पोर्टफोलियो रेड होता है दस हजार शेयर्स लिए हैं और वो दस परसेंट कम हो गया और आपने, आप आपका क्या होगा मतलब साइकोलॉजी जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ साइकोलॉजी का आप हमेशा ख्याल रखिए शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर ट्रीटिंग विद इमोशन आप इस चीज का ख्याल रखिए और डर और लालच में ट्रेड मत कीजिए तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे